आइए आज की सुबह हम अपने हाथों को उठाकर उस परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और भजन लिखने वाला दाऊद बड़ी सुंदरता से इस बात को कहता है, उसके फाटकों में प्रवेश करेंगा धन्यवाद के साथ। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम उस परमेश्वर का धन्यवाद करें आज की सुबह, जो सारे आदर, सारे स्तुति, सारे प्रशंसा, सारी महिमा के योग्य परमेश्वर है। हालेलुया, हाँ हालेलुया। हम धन्यवाद करें कि आज की नई सुबह उसने हमें दिया। हालेलुया, आज के नए सूरज को हम देखने पाए अपनी आंखों से, और आज की सुबह वो अपनी योजना में हमें अपने भवन में ले आया है। हालेलुया। और जिस प्रकार भजन रचने वाला इस बात को कहता है, हर एक वस्तु जिसमें सांस है वो यहोवा को धन्य कहे। हालेलुया, आज की सुबह अगर हमारे पास जीवन की सांस है, हम यहोवा का धन्य कहें। हालेलुया, उसका धन्यवाद करें। हालेलुया, क्योंकि ये जीवन की सांसें उस यहोवा परमेश्वर से ही है। हालेलुया, आइए हम उसका धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें। हालेलुया, धन्यवाद करें इस नए दिन के लिए, खुद को तैयार करें आराधना करने के लिए। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर ऐसे आराधकों की खोज में है जो आराधना को आत्मा की सच्चाई में, ओ दिल की गहराई से परमेश्वर को करने के लिए है। हालेलुया, कि आज की सुबह हम आत्मा की सच्चाई से परमेश्वर की आराधना को करने के लिए यहाँ पर है। हालेलुया, होने दे हमारे मन, हमारे मन हमारी आत्मा परमेश्वर से एक होने पाए जब हम उसकी आराधना को करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु जी, आज की सुबह हम अपने आप को आपके सिंहासन के सम्मुख सौंपते हैं। हालेलुया, प्रभु जी, होने दे हमारे मन, हमारी आंखें, ओ प्रभु जी, हमारे आत्मिक कान तेरी आवाज के प्रति संवेदनशील हो जाएं, तेरी आत्मा का चलन हमारे जीवनों में हो। जब हम इन गीतों को गाते हैं, हम एक प्रार्थना के समान अपना व्यक्तिगत विश्वास के अंगीकार के रूप में इन गीतों को तेरे सिंहासन के सम्मुख उठाने पाए। सारा आदर, सारा महिमा हम आप ही को देते हैं, प्रभु यीशु के नाम में सुनते को मांगते हैं। हालेलुया। आइए, जबकि हम कुछ गीतों को गाकर आराधना करते हैं, आइए पूरे हृदय और मन के साथ और ताली बजाते हुए आइए हम परमेश्वर के स्तुति गीतों के गाएं। आज का दिन यहोवा ने बनाया है कि हम उसमें आनंदित हो सके, आनंदित हो सके। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंद को आनंद। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंद को आनंद। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। उसको हम भाते रहे, चाहे जहां भी रहे। उसको हम भाते रहे। हालेलुया, तेरे पास
मुझको है तुझसे आस, आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस, कर ले पापों से शुद्ध कर दे, मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। दिन यहोवा ने बनाया है, हम जिसमें आनंद को आज का दिन यहोवा ने बनाया है, आमीन हालेलुया, आनंद को आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंद को नारे लगाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का फैलाओ रे। इन दिनों में हमें यीशु मसीह का झंडा फहराना है, इन दिनों में हमें यीशु मसीह के नाम को ऊंचे उठाना है, इन दिनों में हमें गवाह बनना है अपने चारों ओर, अपने पड़ोसियों के बीच में, अपने मित्रों के बीच में, कि हम कौन हैं, हम मसीह के हैं, हम यीशु के हैं। आमेन हालेलुया। आइए इस गीत को गाएं। नारे लगाओ और गाओ रे, ठंडा मसीह का फैलाओ रे, नारे लगाओ और गाओ रे, ठंडा मसीह का फैलाओ रे, हालेलुया हुआ राज, यीशु के पास तुम आओ रे, गम की ये राह सब छोड़ो, जिंदगी में अब कुछ जोड़ो रे, जीवन से उलझा हुआ राज, यीशु के पास तुम आओ रे, गम की ये राह सब छोड़ो, जिंदगी में अब जोड़ो रे। कोई न जाने रे, आंखें ऊपर को उठाओ, यीशु के पास तुम आओ रे, लंबा सफर जिंदगी का सच्चाई कोई न जाने रे, आंखें ऊपर को उठाओ, यीशु के पास खुशियाँ वो बाट रहा है, प्रेम की धारा वो ही है, यीशु कुर्बान हुआ है, पापों का अंत हुआ है, खुशियाँ वो बाट रहा है, प्रेम की धारा वो ही है। Hallelujah.
हालेलुया, तालियों का भेंट यीशु के लिए चढ़ाए। हालेलुया, हालेलुया, ओ यस, वो योग्य है, वो योग्य है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज की सुबह कुछ पल हम यीशु के इस महान प्रेम को याद रखें। आइए हम स्मरण करें यीशु मसीह का वो अद्भुत प्रेम, कितने महान प्रेम से उन्होंने हमसे प्रेम किया। हालेलुया कि परमेश्वर ने इतना प्रेम किया कि उसने अपने एक लौते पुत्र को भेज दिया इस जगत में, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन, अनंत जीवन, अनंत जीवन, एक प्रेम भरा जीवन, हालेलुया, एक खुशियों का जीवन वो प्राप्त करेगा जो कोई उस पर विश्वास करे। इसमें कोई शर्त नहीं है। आप चाहे जहां से भी आए हो, आपका पृष्ठभूमि कुछ भी क्यों ना हो, हर एक को मौका है कि वो यीशु के पास आ सकता है और वो उस प्रेम को पा सकता है जो ये दुनिया कभी भी नहीं दे सकती है। हालेलुया, ओ धन्यवाद, अपने आवाज को उठाकर धन्यवाद दे। धन्यवाद यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। तू महान योग्य, महान योग्य है, योग्य प्रभु है, सारी स्तुति प्रशंसा के योग्य प्रभु आप ही है। हालेलुया, हालेलुया, ओ तेरी स्तुति आराधना करता हूँ मैं तुझ, ये प्रार्थना महिमा से तेरी, तू इस जगह को भर, जो भी तू आज की सुबह, जबकि हम उस वेदी के सामने आए हैं, हम उस आशा के साथ आए कि प्रभु अपने आप को पूर्ण रीति से समर्पित करते हुए कि यीशु मैं अपने आप को देता हूं, मैं यहां पर हूं प्रभु, आप मुझे भर दे, अपने आत्मा से भर दे। ओ तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे, ये प्रार्थना महिमा से तेरी, तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर।
यीशु 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 हालेलुया हाले महान प्रेम के लिए यीशु यीशु के नाम में सामर्थ्य यीशु के नाम में यीशु के नाम में हालेलुया ओ रब रब शिखर दल रब संदर बशे हालेलुया 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 यीशु को धन्यवाद दे धन्यवाद दे धन्यवाद दे स्तुति करे हालेलुया हालेलुया आराधना में सामर्थ है आराधना में सामर्थ है यीशु के नाम से आप चंगाई प्राप्त कर सकते हैं यीशु के नाम में हालेलुया क्योंकि आराधना में सामर्थ्य है आराधना में छुटकारा है आराधना में चंगाई है आराधना में जीवन है आराधना में चंगाई है हालेलुया आराधना में जीवन है और बाबा शंदर बाबा शंदर Jesus, 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 oh Jesus, hallelujah, 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 oh yes, आराधना करें, hallelujah, आजादी मिलेगा आपको आराधना में आजादी है, hallelujah, हर एक बंधनों से, हर एक जंजीरों से, hallelujah, यीशु के नाम में टूटने पाए यीशु के नाम में ठुटने पाए यीशु के नाम में ठुटने पाए हालेलुया ओरी बाबा बा शंदल बसी कर दर बशन हालेलुया 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 ओ जीसस हालेलुया 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 धन्यवाद यीशु एक टूटे हुए हृदय को परमेश्वर ग्रहण करता है भजन में यही लिखा है एक टूटे हुए मन को एक टूटे हुए हृदय को परमेश्वर स्वीकार करता है हालेलुया जबकि हम उसके सम्मुख आए हैं अपने सच्चे मन से पूरे हृदय से जब हम आते हैं और सौंप देते हैं वो हमें अपने नियंत्रण में लेगा और वो हमें विजय देगा हालेलुया हालेलुया जीवित परमेश्वर मैं तेरी आराधना करता हूँ जीवन को देने वाले मैं तेरी आराधना करता I'm not afraid to die.
जीतने वाले। नरक को भी जीतने वाले, जय पाने वाले, मैं तेरी आराधना करता हूँ। पूरे मन से गाए, मृत्यु को जीतने वाले, मैं तेरी आराधना करता हूँ। हाथों को उठा कर गाए हालेलुया, हालेलुया, होसन्ना, हालेलुया, जीसस, हालेलुया, हालेलुया, होसन्ना, आइए हम उसका धन्यवाद करना ना छोड़े, उसका धन्यवाद करें अपने मुंह खोल कर ऊंची आवाजों में, उस परमेश्वर का धन्यवाद करें, हालेलुया, जो सारे आदर के योग्य है, सारी स्तुति के योग्य है, सारी आराधना के योग्य है, सारी प्रशंसा के योग्य है, हालेलुया, 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 ओ हालेलुया, 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 धन्यवाद, ओ रिखा बाबा बा शांतर बोरी खराब धन्यवाद उसका धन्यवाद करे, हालेलुया, 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 हालेलुया,
Hallelujah, 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 hallelujah. Oh, धन्यवाद 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 परमेश्वर. Hallelujah, 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 hallelujah. 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 धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर, क्योंकि आज की सुबह बंधन टूट गए हैं. हालेलुया. हो प्रभु जी धन्यवाद, क्योंकि तेरी आत्मा का चलन तेरे लोगों के बीच में है. हालेलुया. धन्यवाद क्योंकि तू अपने लोगों से बात करने वाला परमेश्वर है. हालेलुया. तू अपने लोगों के बोझों को उठाने वाला परमेश्वर है. हालेलुया. तू उनकी प्रार्थनाओं को सुनकर उनका उत्तर देने वाला परमेश्वर है. धन्यवाद कि आज की सुबह तू अपने लोगों से बात कर रहा है. हालेलुया. धन्यवाद 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 परमेश्वर. धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर. हालेलुया हालेलुया. रिखा बाबा बाशा दरो बोरी खराबा रुल्ला बाशे खेरे बेरे बेशा दरो बोरी खराबा. हालेलुया 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 हालेलुया. ओ रिखा बाबा बाशा दरो बोरी खराबा रुल्ला बाशे खेरे बे 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 शिखारा बाबा बाबा शंदरो बोरी खराबा. हो रिल्ला बाबा शिखेरे बे 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 शिखारा बाबा बाबा शंदरो बोरी खराबा. हालेलुया 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 हालेलुया. हो सकता है आज की सुबह हम चुनौतियों के संग परमेश्वर के भवन में आए हैं. हो सकता है आज की सुबह हम बीमारियों को लेकर परमेश्वर के भवन में आए हैं. हो सकता है आज की सुबह कुछ बोझ है जो हमारे संग हम इस भवन में लेकर के आए हैं. हो सकता है आज की सुबह कुछ ऐसी बातें हैं, पारिवारिक समस्याएं हैं जिन्हें लेकर के हम परमेश्वर के भवन में आए हैं, लेकिन आज की सुबह परमेश्वर हमें आजाद करने के लिए तैयार है. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. अगर हम तैयार हैं उसकी आराधना करने के लिए, हम तैयार हैं उसके नाम को ऊंचा उठाने के लिए, तो वो तैयार है हमें आजाद करने के लिए. हालेलुया हालेलुया. आइए एक बार फिर से हम ऊंची आवाजों में उसका धन्यवाद करेंगे, उसकी स्तुति करेंगे, उसकी प्रशंसा करेंगे. हालेलुया. क्योंकि आराधना में छुटकारा है. हालेलुया. आराधना में चंगाई है. हालेलुया. आराधना में आपके बोझ उठा लिए जाएंगे. हालेलुया. ओ रिखा बाबा बाबा बा शंदरो बोरी खराबा हो रिल्ला लबा शिखेरे बेरे बे शंदरो बोरी खराबा. हालेलुया 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 हालेलुया. ओ हालेलुया 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 हालेलुया. प्रभु जी आज की सुबह हम तेरी उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते हैं. धन्यवाद करते हैं कि तेरे लोग इस भवन में आए तो हो सकता है कुछ परेशानियों के संग, चुनौतियों के संग, बीमारियों के संग, लेकिन वो इस भवन से आजाद होकर के जाएंगे. हालेलुया. क्योंकि तेरी आत्मा यहाँ पर मौजूद है. हालेलुया. क्योंकि तेरी आत्मा हमारे जीवनों पर प्रबल है. हालेलुया. और तू आज भी स्वर्ग और पृथ्वी पर अपनी प्रबलता को रखने वाला परमेश्वर है. हालेलुया. प्रभु जी आज की सुबह हम अपने जीवनों को आपके सिंहासन के सम्मुख रखते हैं, क्योंकि सच में हम क्या दे सकते हैं, क्या आपके लिए ला सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक धन्यवाद की भेंट को हम आपकी ओर चढ़ाते हैं. सारा आदर सारा महिमा स्तुति और प्रशंसा हम आप ही को देते हैं. प्रभु यीशु के पवित्र और मीठे नाम में इस विनती को मांगते हैं. आमेन आमेन आमेन. मेरे प्रियो आप सब अपने स्थानों पर बैठ सकते हैं. प्रेज द लॉर्ड. परमेश्वर की स्तुति हो. यू नो व्हेन फैमिली कम्स टुगेदर, जब परिवार इकट्ठे होते हैं, फ्रॉम ऑल ओवर द प्लेस, और अनेक जगहों से, पेरेंट्स चिल्ड्रन ग्रैंड चिल्ड्रन, और माता पिता बच्चे नाती पोते, एंड ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन, और उसके आगे भी नाती पोते, एवरीबडी मीट. प्रेज द लॉर्ड.
It's a joyful occasion. और बहुत खुशी का एक माहौल होता है. I want all of you to know I have as a spiritual father to all of you. और एक आत्मिक पिता होने के नाते I want to encourage you. मैं आप सबों को उत्साहित करना चाहता हूँ. To value your relationship the greatest gift God has given you. कि आप जो परमेश्वर ने सबसे बड़ा वरदान दिया है जो रिश्ते हम रखते हैं उसका मूल्य आप उसको याद रखें. Parents, husband and wife relationship. जो पति पत्नी का जो रिश्ता है. While you are alive. जबकि आप जीवित हैं. That's the time you can enjoy each other the maximum. वही वो समय है कि आप एक दूसरे का आनंद उठा सकते हैं. I have seen so many instances. और मैंने बहुत से समय ऐसे देखा है. When a husband dies. जब पति का मृत्यु हो जाता है. Or when a wife dies. या पत्नी की मृत्यु हो जाती है. The living partner making all सब कुछ खत्म हो गया. ये है मैं मेरी 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 बीवी चले गई. अरे जब वो जिंदा था कि आपने कुछ केयर किया उनके लिए. जब जिंदा है हाउ डू वी ट्रीट योर पार्टनर. और जब हम जीवित हैं तो हम अपने जीवन साथी के साथ कैसे बर्ताव करते हैं. I have one advice. एक सलाह है. When funeral box come. और जब वो शव का पेटी आता है. इतना flower, bouquet, flute, everything is there. और इतने गुलदस्ते और फूलों का बहार वहाँ पर बिछाया जाता है. For what? किस कारण से? To put it on the box. वो पेटी के ऊपर रखने के लिए. You husband. Do you ever buy a flower, rose flower, and give it to your wife when she is alive? और जितने भी पति हैं क्या जबकि अपनी आपकी पत्नी जीवित है तब आपने कोई फूल या गुलदस्ता दिया है? If you want to give something like that, अगर ऐसा कुछ देना चाहते हैं, each other, do when your partner is alive. जब वो जीवित है तब आप करिए. How can a dead body in a box enjoy all the flowers you are giving? और एक शव जो है उस पेटी के अंदर वो उसका आनंद कैसे उठा सकता है फूलों का? Am I right? मैं सही बोल रहा हूँ? All the perfumes and all that, you know, while she is alive, why don't you buy a bottle of perfume and give it to her? और जितना भी परफ्यूम हम डालते हैं जब वो जीवित है तो एक अच्छा परफ्यूम खरीद के दें. वैल्यू योर रिलेशनशिप. अपने रिश्तों का मूल्य समझे. दैट इज द ग्रेटेस्ट गिफ्ट. ये सबसे बड़ा वरदान है. सो इफ यू वांट टू डू समथिंग. सो अगर आप कुछ करना चाहते हैं और से समथिंग या कुछ बोलना चाहते हैं. डोंट वेट अंटिल योर पार्टनर इज डेड एंड गॉन. ओह आई डिडंट डू दिस आई डिडंट डू दैट. व्हाट इज द यूज. आप इंतजार ना करें कि वो मर के चले जाए फिर बोलेंगे कि मैं ये बोलता हूँ वो बोलता हूँ. सो डू इट नाउ. सो इस समय वर्तमान समय में करें. सो दोज ऑफ यू आर मैरिड. सो जो विवाहित है. दिस इवनिंग यू गो विदाउट योर वाइफ नॉलेज एंड यू गो एंड बाय सम नाइस फ्लावर फ्रॉम द मार्केट एंड गिव इट टू हर. आज की शाम आप जाके फूल खरीद के उनको दें अपने पत्नी को. इंडियन वीमेन डोंट वैल्यू फ्लावर्स. और भारतीय स्त्री जो है वो फूल का मूल्य नहीं जानते. बट इन अमेरिका इफ यू गो वन पेटल ऑफ फ्लावर जस्ट वन रोज फ्लावर दैट्स व्हाट द वाइफ इज मोस्ट सैटिस्फाइड विद दैट. लेकिन अमेरिकी देशों में वहाँ पर एक गुलाब का फूल दे दे वो लोग उसका बहुत मूल्य रखते हैं. हियर आवर वीमेन वैल्यू व्हाट. हमारे स्त्रियों को क्या चाहिए? कपड़े. अच्छा सारी ये क्या है फ्लावर क्या करना है बोले. सो प्लीज लव ईच अदर एंड एंजॉय ईच अदर द मैक्सिमम. व्हाई एक दूसरे से प्रेम करें एक दूसरे का आनंद उठाएं. एंड टू डू व्हाट एवर यू वांट टू डू व्हाइल योर पार्टनर्स आर अलाइव. और जबकि जीवित है उस समय आप वो सारे कार्यों को करें. सो दैट यू विल नॉट रिग्रेट.
when one partner is dead and gone. ताकि जब जीवन साथी चला जाए आपको छोड़ के तो फिर आपको कोई पछतावा नहीं होगा. Have you read the passage that I asked you to read? और जिस भाग को पढ़ने बताया था आपने पढ़ा है उसको? याद है क्या पढ़ना था? है? John 16. यूहन्ना उसका 16वां अध्याय. क्या आपने पढ़ा? हाथ उठाए अगर आप पढ़ा है. कुछ लोग पढ़ा. धन्यवाद. Praise God. The whole chapter is about the Holy Spirit and His ministry today. पूरा अध्याय जो है वो पवित्र आत्मा के विषय में है और पवित्र आत्मा की सेवकाई के विषय में. Jesus said, यीशु ने कहा, You are sad because I said I am going back to my father. और तुम दुखी होते हो क्योंकि मैंने कहा कि मैं जा रहा हूं अपने पिता के पास. But don't be sad. लेकिन आप दुखी ना हो. It is for your benefit that I am. और ये तुम्हारे लाभ के लिए है कि मैं जाता हूं. Because when I go, क्योंकि जब मैं जाऊंगा, I will ask the father. मैं पिता से मांगूंगा. And receive the Holy Spirit from him and I will send the Holy Spirit to you. और मैं पवित्र आत्मा को मांगूंगा और पवित्र आत्मा को तुम्हारे बीच में भेजूंगा. He is going to be with you throughout this age. और इस पूरे युग में वो तुम्हारे संग रहेगा. And one of the most important ministries of the Holy Spirit is he is our best teacher. और पवित्र आत्मा का सबसे मुख्य जो कार्य है हमारे जीवन में वो ये है कि हमें शिक्षा देता है. सो फॉर आवर मेडिटेशन दिस मॉर्निंग लेट अस रीड चैप्टर 16 ऑफ द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट जॉन वर्स 13. और आज की सुबह के मनन के लिए हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय और उसका 13 पद. व्हाट इज द मिनिस्ट्री ऑफ द होली स्पिरिट टुडे? और आज पवित्र आत्मा का सेवा कार्य क्या है? He is what? वो क्या है? I just told you what. मैंने अभी अभी बताया. He is our. वो हमारा शिक्षक है. And if he is our teacher. और अगर वो हमारा शिक्षक है. He is the best teacher. वो सबसे उत्तम शिक्षक है. Because He is the author of this Bible. क्योंकि पवित्र आत्मा ही इस पवित्र वचन का लेखक है. So he knows everything. So वो हर एक बातों को जानते हैं. Each line he knows. और हर एक पंक्ति को वो जानते हैं. Since he is the author. और जबकि वो लिखने वाला है. He alone can explain to you everything in detail. और वही आपको वो सारी बातों को सिखा सकता है जो लिखा है. You have to depend on the Holy Spirit. So when you read the Bible, you must begin with the prayer, Holy Spirit of God. You are. और जबकि आप बाइबल पढ़ने शुरू करते हैं, आप उस प्रार्थना से शुरू करें कि पवित्र आत्मा, आप ही हमारे शिक्षक हैं. Open my mind and understanding and help me understand. मेरे मन को, मेरे समझ को और मेरे आंखों को खोल दे ताकि मैं समझने पाऊं. So shall we read this verse? So आइए हम इस पद को पढ़ेंगे. Verse 13. 13वें पद. Somebody who got it in Hindi, please read it. परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा. क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा. Amen. Amen. In Isaiah chapter 5. यशाय का पुस्तक उसके पांचवें अध्याय में. No, chapter 11. माफ कीजिएगा, ग्यारहवें अध्याय में. Verse 2. उसके दूसरे पद में. We talk about the Spirit of God. वहां पर परमेश्वर के आत्मा के विषय में कहा गया है. It talks about the Spirit of God who will teach us. पवित्र आत्मा के विषय में जो हमें शिक्षा देगा. So the Holy Spirit, when we talk about the Holy Spirit, so जब हम पवित्र आत्मा के विषय में बातें करते हैं, He is the Spirit of knowledge. और वो ज्ञान का आत्मा है. What is the Holy Spirit? पवित्र आत्मा क्या है? The Spirit of knowledge. ज्ञान का आत्मा.
Now I don't have the spirit of knowledge. मेरे अंदर वो ज्ञान का आत्मा नहीं है. I have to depend on the Holy Spirit. मुझे पवित्र आत्मा के ऊपर निर्भर होना है. Remember we talked about a sinner needs a divine savior. और याद रखे हमने इस बात को सीखा था कि एक पापी व्यक्ति को एक दैवीय एक उद्धारकर्ता की आवश्यकता है. And when a sinner is saved, और जब एक पापी व्यक्ति उद्धार पाता in है, in God's sight he or she is a saint. परमेश्वर के दृष्टि में वो पुरुष या स्त्री वो एक संत बन जाता है. Just like a sinner needs a divine savior, और जिस प्रकार एक पापी व्यक्ति को एक दैवीय उद्धारकर्ता की आवश्यकता है, a saint needs a divine teacher. एक संत को एक दैवीय शिक्षक की आवश्यकता है. Salvation is freely given. और उद्धार जो है, मोक्ष जो है, वो आजाद, वो ऐसे ही दिया गया है, मुफ्त में. That is one time experience. ये एक बार का अनुभव है, which we called a new birth. और जिसको हम नया जन्म कहते हैं. Through that new birth, we are born into the family of God. और उस नए जन्म के द्वारा हम परमेश्वर के परिवार में प्रवेश करते हैं. Through repentance, पश्चाताप के द्वारा, you are born again. आप नए जन्म पाते हैं. That is a spiritual birth. ये एक आत्मिक एक जन्म है. And when you are baptized, और जब आप बपतिस्मा पाते हैं, you become a full fledged member of the body of Christ. तब आप पूर्ण रीति से परमेश्वर के देह के सदस्य बन जाते हैं. That's why baptism is important. और इसीलिए बपतिस्मा बहुत जरूरी है. So repentance and baptisms go together. So पश्चाताप और बपतिस्मा एक साथ जाता है. So those of you who are born again, so आप में से जितने लोगों ने नया जन्म पाया है, it not baptized yet, और अभी तक बपतिस्मा नहीं लिए हैं, you must be very prepared to be baptized, and next time we'll have the baptism, you must be ready for. So आपको अपने आप को तैयार करना है कि अगली बार जब हमारा बपतिस्मा सभा होगा, आप उस बपतिस्मे को ले. Pastor Sami and his entire family is in Delhi. Pastor Sami और उनके पूरा परिवार दिल्ली में है आज के दिन. And there is a church where he worked for 8 years before he came here. और इससे पहले वे लखनऊ आए थे, वो दिल्ली में थे, पास्टर सैमी, जहां 8 वर्षों तक उन्होंने वहां के कलीसिया में कार्य किया. Under Pastor Robert Jayaraj. और पास्टर रॉबर्ट जयराज के अधीनता में. Robert Jayaraj was the General Superintendent of North India Assemblies of God. और पास्टर रॉबर्ट जयराज उत्तरी भारत असेंबली ऑफ गॉड के जनरल सुपरिंटेंडेंट रहे. He is the senior pastor of the church there. और दिल्ली के कलीसिया के वो वरिष्ठ पासवान है. What is the name of the church? Global Life Christian Center. Global Life Christian Center. That ये कलीसिया का नाम है. And he is the senior pastor. Pastor Robert Jayaraj वरिष्ठ पासवान है. So this year they are celebrating the 40th anniversary of the church. और इस साल जो है वो लोग उस कलीसिया के पास्टर रॉबर्ट जयराज के सेवकाई के 40वें वर्षगांठ को मना रहे हैं. एंड द 40th ईयर ऑफ पास्टर रॉबर्ट जयराज's मिनिस्ट्री इन नॉर्थ इंडिया. और पास्टर रॉबर्ट जयराज के उत्तर भारत के सेवकाई का जो 40 वर्ष हो गया. In 1982 he arrived in Delhi. 1982 में वे दिल्ली में आए. So he completed 40 years. So अब उनका 40 वर्ष पूरा हो गया है. And so they invited Sami to go and lead the worship. तो उन्होंने पास्टर सैमी को निमंत्रण दिया था कि वहाँ पर जाके आराधना में अगुवाई करे. And they decided to go as a whole family because hardly they get any opportunity to take a vacation. और पूरे परिवार वो लोग चले गए और एक छुट्टी के रूप में और वहाँ के लोगों से मिलने के लिए भी. So he sends his greetings to all of you. So Pastor Sami ने आप सभी लोगों को greetings भेजा है. And so pray for them. उनके लिए प्रार्थना करें. They should be back before next Sunday. अगले रविवार से पहले वो आ जाएंगे. Amen. Amen. And it is how many of you pray for your pastors? आप में से कितने लोग अपने पासवानों के लिए प्रार्थना करते हैं? I know all of you pray for Pastor Sami. मैं जानता हूं आप सब लोग पास्टर सैमी के लिए प्रार्थना करते हैं. But don't forget there are two other pastors also here. लेकिन याद रखें कि पास्टर सैमी के अलावा दो और पासवान हैं. Pastor Sami is here only because of me. और पास्टर सैमी इसलिए है क्योंकि मैं यहां पर हूं. So once in a while you pray for me also. So कभी कभी आप मुझे भी याद रखिएगा प्रार्थना में.
I cannot insist that every day, every time you pray. और हो सकता है प्रतिदिन जब भी आप प्रार्थना करते हैं आप ना करें. Then pray for Pastor Fabi also. He is, you don't see him very often on the stage, but he is also a pastor. आप मेरे लिए भी प्रार्थना कीजिएगा. यीशु की सेवा करता हूँ. Because he takes care of all the finances of our Bible college and what else, the church and the mission. So he is responsible. That is a very big responsibility. और क्योंकि बाइबल कॉलेज का, चर्च का, डिस्ट्रिक्ट का, सबका जो फाइनेंस है मैं देखता हूँ. एंड सो वी प्रेज द लॉर्ड फॉर दिस पीपल हु आर सर्विंग द लॉर्ड. और इसलिए इन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो परमेश्वर की सेवा करते हैं. पास्टर सैमी इज एक्सपेक्टेड हियर ऑन वेडनेसडे. पास्टर सैमी शायद बुधवार को आ जाएंगे. प्रेज द लॉर्ड फॉर हिम. And don't forget Pastor Mahendra. और फिर Pastor Mahendra को ना भूलिएगा. And of course, everybody remembers Pastor Mahendra. और सब लोग Pastor Mahendra को याद रखते हैं. Because he is very handsome. क्योंकि बहुत सुंदर है दिखने में. And he is a father now. अब वो पिता बन गए हैं. So praise the Lord. You all love him. परमेश्वर की स्तुति हो. आप सभी उनसे प्रेम करते हैं. And he is responsible for all the young people. हमारे कलीसिया के सारे जवानों के लिए वो जिम्मेदार हैं. So if any young people lost in hell, then he is responsible. और अगर कोई जवान व्यक्ति है नरक के मार्ग पे जा रहा है तो आप उनसे मिलवाइएगा. When he comes and give you instructions, please follow, because he is concerned about young people. He is responsible. He has to give an account to God. और जब भी किसी जवान व्यक्ति के विषय में आपके पास आते हैं, कुछ निर्देश देते हैं, कुछ बोलते हैं, तो उसके बाद सुन लीजिएगा, क्योंकि परमेश्वर के सामने हमें लेखा देना है. We want you to know we love you. और सब लोग याद रखें कि हम आपसे प्रेम करते हैं. Amen. Amen. And we pray that you will grow in the knowledge of God. और हमारी प्रार्थना यही है कि आप प्रभु के ज्ञान में बढ़ते जाएं. Today I have to share with you concerning this ministry of the Holy Spirit. और आज मैं आपसे बताने जा रहा हूँ पवित्र आत्मा का जो सेवकाई है. You know, the Spirit of God is an all-knowing spirit. परमेश्वर का आत्मा जो है वो सारे ज्ञान को रखने वाला आत्मा है. He is an all-knowing God. और वो सर्व ज्ञानी परमेश्वर है. His job today is to guide God's people into all the truth. और उसका कार्य यही है कि परमेश्वर के लोगों को सारे सच्चाई में वो अगुवाई करे. That's what Jesus told the disciples. और यही बात यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा. I am leaving. मैं जाता हूँ. But I will send you the Holy Spirit. लेकिन मैं पवित्र आत्मा को भेजूंगा. And when he comes, और जब वो आएगा, he will teach you all the truth. वो तुम्हें सारे सच्चाई को सिखाएगा. And so don't be carried away by all that speakers coming from here and there, and many times it is very confusing because they themselves do not know what they are talking about. और इसलिए सारे प्रचारकों के पीछे ना चले जो इधर उधर की बातें करते हैं, क्योंकि उससे हम भ्रम में पड़ जाते हैं. You know, one of the greatest tragedies of the church today. आप जानते हैं कि कलीसिया का सबसे बड़ा ट्रेजेडी क्या है? The greatest tragedy of Christian church is the lack of knowledge. और सबसे दुखी बात यही है कि कलीसिया के पास आज ज्ञान नहीं है. There is a book in the Old Testament among the prophets called Hosea. और पुराने नियम में नबियों का एक पुस्तक है जिसका नाम होशिया है. In that book of Hosea, और उस पुस्तक में chapter 4, चौथे अध्याय में verse 6, छठे पद में it is written there, ऐसे लिखा है. God's word, God spoke this sentence. परमेश्वर ने इस वचन को कहा. What is the sentence? वो वचन क्या है? My people perish. मेरे लोग नाश होते हैं. Because of the lack of knowledge. क्योंकि उनके अंदर ज्ञान की कमी है. Has anybody found that book in क्या किसी ने उस वचन को खोला है? Chapter 4. होशिया चौथा अध्याय. You read it, brother. Verse 6. छठे पद को. मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई. तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है. That's enough. God says, परमेश्वर कह रहे हैं, because of the lack of knowledge, my people perish. मेरे ज्ञान के ना होने से मेरे प्रजा
नाश होते हैं. Do you know why I teach the way I teach you? आप जानते हैं कि जिस प्रकार मैं आपको सिखाता हूं, मैं क्यों सिखा रहा हूं? I teach topics that other pastors do not even touch. और मैं ऐसे विषयों को बांटता हूं, सिखाता हूं, जो दूसरे पासवान उसके विषय में बोलते भी नहीं हैं. I was teaching about how as a church we must be prepared to meet our heavenly bridegroom. और मैं आपको इस बात को सिखाता हूं कि कैसे एक कलीसिया के रूप में हम अब हमें तैयार होना है अपने दुल्हे से मिलने के लिए. Growing in the knowledge of God's word. परमेश्वर के वचन में ज्ञान में बढ़ते हुए. The teaching about holiness. और पवित्रता के विषय में जो शिक्षा है. The teaching about separation. और अलग होने का जो शिक्षा है. But now and then I mention the need to separate ourselves from the world. और बीच-बीच में मैं आपको याद दिलाता हूँ कि किस प्रकार हमें दुनियादारी से अलग होना है. But I don't think everybody understood what the separation is. लेकिन मैं नहीं समझता कि सब लोग इस बात को समझ गए हैं कि ये अलग होना क्या है. One of these Sundays I am going to spend all my time in taking a class on 2 Corinthians chapter 6. और आने वाले एक रविवार को मैं पूरे समय आपको सिखाऊंगा दूसरे कुरिन्थियों छठे अध्याय में क्या लिखा है. Many people suffer. बहुत लोग दुख उठाते हैं. Because of the lack of knowledge. क्योंकि उनके ज्ञान की कमी है. And when we try to teach. और जब हम कोशिश करते हैं सिखाने के लिए. Many people don't like it. और उनको पसंद नहीं है. They say Pastor Matha is very hard. वो कहते हैं कि पास्टर मथाई बहुत कठोर हैं. I am not very hard. मैं कठोर नहीं हूँ. I don't teach my own theory. मैं अपना खुद का शिक्षा नहीं दे रहा हूँ. I only read God's word. मैं सिर्फ परमेश्वर के वचन को पढ़ता हूँ. Try to explain what that means. और कोशिश करता हूँ उस बात को समझाए कि इसमें क्या लिखा है. If I don't do it, और अगर मैं इस काम को नहीं करूं, then I will receive the punishment from God. तब मुझे वो दंड मिलेगा परमेश्वर से. I have a judgment waiting. और मेरे पास एक न्याय इंतजार कर रहा है. And so everything that I am teaching. So जो कुछ भी मैं सिखाता हूँ. Some of you may think it is very hard. आप में से कुछ लोग सोचेंगे ये बहुत कठोर है. But if you are wise. लेकिन अगर आप बुद्धिमान हैं. And if you are serious about your Christian life. अगर आप अपने मसीह जीवन के विषय में गंभीर हैं. And if you are serious about your Christian faith. अपने मसीही विश्वास के प्रति आप गंभीर हैं. Listen and understand. तब आप सुनिए और इसको समझने की कोशिश करें. Otherwise, I will be failing God. अन्यथा मैं परमेश्वर के सामने मैं हार जाऊंगा. So I have a responsibility. So मेरे पास ये जिम्मेदारी है. On teaching the word as it is. कि जैसा वचन में लिखा है, वैसे ही मैं आपको सिखाऊं. I am not allowed to add anything or delete anything. और मुझे अनुमति नहीं है कि मैं इसमें कुछ जोड़ूं या घटाऊं. The greatest problem is the lack of knowledge. और सबसे बड़ी समस्या यही है कि परमेश्वर के लोगों के बीच में ज्ञान की कमी है. My people perish. Because of the lack of knowledge. मेरे लोग नाश हो जाते हैं क्योंकि ज्ञान की कमी है. That's what we read. यही बात हमने पढ़ा है. And it is true even today. और ये सत्य है आज के दिन भी. Because of lack of knowledge. क्योंकि ज्ञान की कमी है. You do not know how to live. हम नहीं जानते कैसे जीना है. What you should participate. हमें किसमें हिस्सा लेना है. Where you should not participate. और कहाँ हमें हिस्सा नहीं लेना है. Everything is here. सब कुछ यहाँ पर लिखा है. So I am going to teach the doctrine of separation. That is a doctrine. So अलग होने का जो एक सिद्धांत है, ये एक सिद्धांत है, हम उसको सिखाएंगे. In Christian life. मसीह जीवन में. You better listen to the word of God and be obedient. आप परमेश्वर के वचन को सुने और उसके आज्ञाकारी बने. Because we have not understood the ministry and work of the Holy Spirit. क्योंकि हमने पवित्र आत्मा के सेवकाई को और उसके कार्य को हम समझ नहीं पाए हैं. And the most important work is he is our teacher. और सबसे मुख्य बात यही है कि वो हमारा शिक्षक है. It is the ignorant who needs to be guided. और ये अज्ञान किस्म के लोग हैं जो जो मानते नहीं है कि वो आज्ञाकारी बने. The Holy Spirit does exactly that. और पवित्र आत्मा इसी कार्य को करता है. We are ignorant. हमारे पास कोई ज्ञान नहीं है. We have not understood. हम समझ नहीं पाए हैं. And so we better listen to the Holy Spirit's teaching in God's word. So ये सही रहेगा कि हम परमेश्वर के वचन के शिक्षा को सुने और आज्ञाकारी बने. And what we read here is he will guide us into all truth. और हमने यहाँ पर पढ़ा है कि पवित्र आत्मा हमें सारे सच्चाई में अगुवाई करेगा. So are you ready and prepared to learn all the truth? So क्या आप तैयार है कि आप पूरे सत्य को आप सीखने पाए. मोस्ट क्रिश्चियंस आउटसाइड इन द वर्ल्ड. और ज्यादातर मसीह जो दुनिया में है.
they don't even know 1/10 of the truth. वो सच्चाई के एक दसवां हिस्सा भी नहीं जानते हैं. That is the tragedy. और यही tragedy है. As a result, और इसका परिणाम रूप Christian life is not lived in the way it should be lived. मसीह जीवन को उस प्रकार जिया नहीं जा रहा है जिस प्रकार जीना है. महात्मा गांधी said. महात्मा गांधी जी ने कहा. I would have been a Christian by now. इस समय तक मैं एक मसीह बन जाता. But for the Christian. लेकिन मैंने मसीहों को देख लिया. And because of them. और उनको देखने के बाद. I am not a Christian. मैं मसीह नहीं बना. Can you imagine? क्या आप कल्पना कर सकते हैं? If all the Christians were only living. The Christian life. अगर सारे मसीह लोग वो मसीह जीवन को जी रहे होते, He would have been seen Christ in Christian. गांधी जी वो मसीह को मसीहों के अंदर देखते. You can imagine the condition of India today if Gandhi had become Christian. और आप कल्पना कर सकते हैं अगर गांधी जी विश्वासी बन गए होते तो आज भारत का हाल क्या होता. So Christians. So मसीह लोग. Be careful. आप सचेत रहें. Don't call yourself a Christian unless Others can see Christ. आप अपने आप को मसीही तब तक ना कहलाए जब तक आपके अंदर मसीह नहीं है. And the one who helps us is the Holy Spirit. और जो हमारी मदद करता है वो पवित्र आत्मा है. He not only teaches us the truth. न सिर्फ वो हमें सत्य सिखाता है. He also is the one who gives us the power. To live the truth. और पवित्र आत्मा ही है जो हमें सामर्थ्य देता है उस सत्य को जीने के लिए. How many of us, as Christians, seek the help of the Holy Spirit to learn? और हम में से कितने लोग पवित्र आत्मा को खोजते हैं ताकि हम कुछ सीखें? He is our divine teacher. वो हमारा दैवीय शिक्षक है. Who never makes any mistake. जो कभी भी कोई गलती नहीं करते हैं. Holy Spirit, does he make any mistake? क्या वो कोई गलती करते हैं? He rightly divide the word of God. और सही रीति से उन्होंने इस परमेश्वर के वचन को दो भाग में बांटा. So if you do not know many truths, so अगर आप बहुत सच्चाइयों को नहीं जानते हैं, who is to blame? तो किसको दोष देना है? If I have not taught you, then I am to be blamed. और अगर मैंने आपको नहीं सिखाया तो फिर दोष मेरे ऊपर है. But I have been teaching you Sunday after Sunday and in every Bible lesson. लेकिन हर रविवार को हर बुधवार को बाइबल अध्ययन में मैं आपको सिखाता गया. How many of you take this teaching seriously? आप में से कितने लोग इन शिक्षाओं को गंभीरता से लेते हैं? And seek the help of the Holy Spirit to enlighten और पवित्र आत्मा को खोजते हैं कि आपको प्रकाशन करें. You know, you have an anointing within you. आपके भीतर एक अभिषेक है. I am going to read a very important passage. मैं एक बहुत मुख्य एक वचन को पढ़ने जा रहा हूँ. First John chapter 2. पहला यहुन्ना दूसरा अध्याय. Something that God has already done. एक काम जो परमेश्वर ने किया है. The moment you are born again. और जैसे ही हम नए जन्म को पाते हैं, the moment you are baptized in और जिस समय हम पानी का बपतिस्मा लेते हैं, God has done something for you. परमेश्वर ने आपके लिए एक कार्य को किया What है. What is that? वो क्या है? So first John chapter 2 verse 20. First you read verse 20. पहला यहोन्ना दूसरा अध्याय उसका 20 वचन. परंतु तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है. हाँ. What did we read? हमने क्या पढ़ा है? There is an anointing within you. आपके अंदर एक अभिषेक है. We don't even know that there is an anointing within. और हम इस बात को जानते भी नहीं है कि हमारे अंदर एक अभिषेक है. But at least from this, from today, you must know. लेकिन कम से कम आज से. What you have. आपको जानना चाहिए कि आपके पास क्या you है. Have an anointing that you received from the Holy Spirit. आपके अंदर एक अभिषेक है जो आपने उस पवित्र आत्मा से पाया है. That anointing is in you. वो अभिषेक आपके भीतर है. Hallelujah. Hallelujah. Everyone say. और हर एक जन कहे. How is it you say it in Hindi? मुझ में एक anointing है. अभिषेक है. अभिषेक. मुझ में एक अभिषेक है. मुझ में. Every born again Christian.
हर एक नया जन्म पाए हुआ मसीह, every child of God, हर एक परमेश्वर का संतान, receive this anointing the moment you surrender your life to Jesus Christ and are baptized in water. और उस समय उस अभिषेक को प्राप्त करता है जब वो यीशु मसीह को ग्रहण कर लेता है और नया जन्म पाता है. Because you are entering into a new life. क्योंकि आप एक नए जीवन में प्रवेश करते हैं. The whole life is gone. और पुराना जीवन बीत चुका है. Hallelujah. Hallelujah. They are no longer the old man. और अब हम पुराने स्वयं नहीं हैं. If anyone is in Christ, अगर कोई मसीह में है, what is he? वो क्या है? He is a new creation. वो एक नई सृष्टि है. Hallelujah. Hallelujah. Are you in Christ? क्या आप मसीह में हैं? And is Christ in you? और क्या मसीह आप में है? Then you are no longer the old man who used to have all kinds of dirty habits. तो फिर आप वो पुराने मनुष्य नहीं हैं जिसके अंदर सारे बुरे आदतें थे. Everything old has gone. सारे पुराने बातें बीत गई हैं. Behold, everything has become new. और देखो सब कुछ नया हो गया है. I am a new creation. I am a new creation. मैं एक नई सृष्टि बन गया हूँ. If I am in Christ. अगर मैं मसीह में हूँ. How many of you have the confidence that you are in Christ? आपके अंदर क्या, आप सब किसके अंदर ये हियाब है कि आप परमेश्वर में नए बन गए हैं? Some people have doubts. कुछ लोगों को शक है. The hand will go only up to here. I am not very sure, but उनका हाथ. You must be sure. आपको ये निश्चय होना चाहिए. And then it says. और फिर लिखा है. Behold, brother, this is something that we all need to understand. 2 Corinthians chapter 5 verse. Is it a 7:5 or 5:7? First Corinthians chapter 5 verse 7. Look. No. 7:5, look. If anyone is in Christ, he is a new creation. 5:17, yeah, 5:17. 2 Corinthians 5:17. अगर आप मसीह में हैं, आप क्या हैं? नई सृष्टि. एंड देन बाकी पुरानी बातें बीत गई. व्हाट डज दैट मीन? इसका अर्थ क्या है? कम ऑन टेल. पुराना जीवन, पुराना जीवन अपना आदत से सब खत्म. देन व्हाई आर यू स्ट्रगलिंग विद द ओल्ड हैबिट? तो फिर आप पुराने आदतों से क्यों संघर्ष कर रहे हैं? सम पीपल कैन नॉट गिव अप देयर स्मोकिंग. और कुछ लोग सिगरेट पीना बंद नहीं कर सकते. सम पीपल कैन नॉट गिव अप देयर तंबाकू च्यूइंग. और कुछ लोग तंबाकू खाने नहीं खत्म कर सकते. सम पीपल कैन नॉट गिव अप देयर स्वेयरिंग हैबिट. और कुछ लोग गंदे भाषा को उपयोग करने में बंद नहीं कर सकते. गंदा भाषा अभी भी है नाव में. क्यों? अगर आप नए सृष्टि है, सो वाई द ओल्ड हैबिट्स आर स्टिल देयर? अगर आप नए सृष्टि है तो पुराने आदतें क्यों है? द बाइबल इज द ट्रूथ एंड इट सेज इफ यू आर इन क्राइस्ट यू आर अ न्यू क्रिएशन. ऑल ओल्ड थिंग्स हैव गॉन अवे. बाइबल सत्य कहती है और बाइबल बताती है कि अगर आप मसीह में हैं तो पुराने बातें बीत गई हैं. अब आप एक नए सृष्टि बन गए हैं. प्लीज अंडरस्टैंड दैट. इस बात को समझ ले. हालेलुया. हालेलुया. बिकॉज व्हेन क्राइस्ट कम्स, क्योंकि जब मसीह आएगा, He changes everything. वो सारे बातों को बदलता है. The Holy Spirit comes. और जब पवित्र आत्मा आता है, He changes everything. सारे बातों को बदल देता है. Hallelujah. Hallelujah. We are a new creation. हम एक नई सृष्टि बन गए हैं. प्रभु यीशु मसीह में. Amen. Amen. Lift up our hands and thank God. अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर को धन्यवाद दें. I know I won't be able to finish this teaching. मैं जानता हूँ मैं इस शिक्षा को पूरा नहीं कर पाऊंगा. Because it is important for you to understand these things. क्योंकि ये जरूरी है कि आप इन बातों को समझें. We are supposed to be new creation. और हमें नई सृष्टि बनना है. Our swearing is gone. और हमारे गाली गलौज जो है वो समाप्त हो जाता है. Our drinking habit is gone. हमारा शराब पीने का आदत बंद हो जाता है. Our mouth becomes साफ. और हमारा मुंह शुद्ध हो जाता है. वो तंबाकू का जगह नहीं है वो. एंड स्मोकिंग धूम्रपान करना
You know, we have many old houses have a chimney, you know. There is a fireplace. पुराने घरों में आपने देखा होगा चिमनी होता है. And चिमनी में क्या देखा है? वहाँ से क्या निकलता है? Some people smoke. The nose is like a chimney. और कुछ लोगों के नाक जो है वो चिमनी के समान है. ये सिगरेट का चिमनी नहीं है आपका ना ये क्या कहते हैं नाक. ये क्या के लिए दिया है? Smelling. You smell beautiful flowers. नाक किस कार्य के लिए है? कि आप सूंघने पाए अच्छे चीजों को. And then when you enjoy the smell of nice biryani, or the water start flowing. And then the most important thing is it is to keep you alive. सबसे जरूरी बात ये है कि ये नाक आपको जीवित रखता है. You can close your mouth and yet your nose is open. और जब आप अपने मुंह को बंद रखते हैं तब भी आपका नाक खुला रहता है. That's how you are kept alive. और ऐसे ही आप सांस को लेते हैं आप जीवित हैं. Hallelujah. Hallelujah. Let us understand when the Bible says that you become a new creation when you are in Christ. All the old habits also gone. और इस बात को हम अच्छे से समझने पाए कि जब हम नई सृष्टि बन जाते हैं तो फिर पुराने बातें खत्म हो जाते हैं सारी बातें नए बन जाते हैं. Everybody close your eyes. हर एक जन अपने आंखों को बंद कर दे. Lift up your hand. अपने हाथों को उठाएं. And say I'm a new creation. और कहें मैं एक नई सृष्टि हूँ. And my old habits have gone. मेरे पुराने आदतें खत्म हो गए हैं. And then you say, और तब आप कहें, from today, आज से लेकर, none of these bad habits is going to be seen in me. अब ये बुरे आदतें अब हम आगे से नहीं करेंगे. Oh yeah, you can do it all, hiding the pastor. Nobody may know you still have. But आप ये सारे काम आप पासवान से छुपाकर आप कर सकते हैं. But always remember. लेकिन हमेशा याद रखें. You cannot hide anything. Nothing is hidden from the eyes of God. आप कोई भी बात परमेश्वर की दृष्टि से नहीं छुपा सकते हैं. Hallelujah. Hallelujah. Your life is completely naked and bare before God. आपका जीवन जो है पूरा खुला है परमेश्वर के सामने. Hallelujah. Hallelujah. You cannot deceive God. आप परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकते हैं. You can hide from your parents, from your pastor, when you, your friends and everybody. But आप जब कोई गलत काम करना चाहते हैं आप पासवान से अपने माता पिता से अपने मित्रों से भी छुपा सकते हैं. What I don't see, he sees. लेकिन जो मैं नहीं देखता हूँ परमेश्वर देखता है. What your parents do not know, he sees. आपके माता पिता जो नहीं जानते हैं परमेश्वर जानता है. What your wife does not know, he knows. आपकी पत्नी जो नहीं जानती है वो परमेश्वर जानता है. What your husband does not know, he knows. आपका पति जो नहीं जानता है परमेश्वर जानता है. Nothing is hidden from him. कोई भी बात परमेश्वर से छुपा नहीं है. And he hears what others do not hear. और परमेश्वर वो सारे बातों को सुनता है जो दूसरे नहीं सुनते हैं. And then read 27. और फिर 27 पद को पढ़ें. First John 2:27. पहला यूहन्ना 2 का 27. There is an abhishek. एक अभिषेक है. That is what we read in verse 20. 20 वचन में हमने उस बात को पढ़ा था. And in verse 27. और 27 में क्या लिखा है? हाँ. ये अभिषेक तुम्हें है वो क्या के लिए दिया है? सब बातें सिखाए. As you are listening, और जबकि आप सुन रहे हैं, it is the Holy Spirit who gives you understanding. ये पवित्र आत्मा है जो आपको समझ देते हैं. That's how you learn. ऐसे ही आप सीखते हैं. So next time you begin to read your Bible in the morning or evening. So, अगली बार जब आप अपने Bible को
पढ़ते हैं चाहे सुबह हो या शाम स्टार्ट रीडिंग विद दिस प्रेयर आप इस प्रार्थना से आप शुरू करें ओ लॉर्ड हे प्रभु आई डोंट अंडरस्टैंड मैं मेरे अंदर वो समझ नहीं है ब्लेस्ड होली स्पिरिट पवित्र आत्मा यू नो एवरीथिंग आप सारे बातों को जानते हैं बिकॉज़ यू आर द राइटर ऑफ दिस बुक क्योंकि आप ही ने इस पुस्तक को लिखा है सो गिव मी अंडरस्टैंड सो मुझे वो समझ दे विद दैट प्रेयर यू रीड और उस प्रार्थना के साथ आप पढ़ें हालेलुया हालेलुया इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बहुत जरूरी है ही विल दैट इज व्हाट इट इज रिटन और यही बात लिखा है यू प्लीज राइट डाउन दीज रेफरेंसेस एंड गो होम एंड रीड इट अगेन और इन पदों को आप लिख लें घर जाकर उसके फिर से पढ़ें और मनन करें आई हैव एन अनॉइंटिंग विद इन मी मेरे अंदर एक अभिषेक है दैट अनॉइंटिंग विल टीच यू एवरीथिंग ये अभिषेक जो है सारे बातों को सिखाएगा यू डोंट हैव टू सी फॉर अनदर टीचर आपको कोई दूसरे शिक्षक के पास जाने की जरूरत नहीं है प्रोवाइडेड अ टीचर हियर इन दिस चर्च और ही हैज प्रोवाइडेड अ टीचर इन परमेश्वर ने उपाय किया है एक शिक्षक का इस कलीसिया में ऑल यू नीड टू डू इज टू सिट अंडर द टीचिंग ऑफ दिस चर्च और सिर्फ आपको इस कलीसिया के शिक्षा के अधीन में सीखना है एंड द होली स्पिरिट विल गिव यू अंडरस्टैंड और पवित्र आत्मा जो है आपको वो ज्ञान आपको वो समझ देगा यू डोंट हैव टू रन ऑल अराउंड आपको चारों ओर भागने की आवश्यकता नहीं है You will be confused. क्योंकि आप भ्रम में पड़ जाएंगे You don't know what is to believe, what is not to believe. क्योंकि आप नहीं जानते हैं कि किसका विश्वास करना है किसका नहीं करना है I went there. मैं वहां पर गया I heard that preacher saying मैंने उस प्रचारक को सुना But my pastor is saying this. लेकिन मेरा पासवान कुछ और कहते so हैं what is the truth? So सच्चाई क्या है That is how many people are not established. और ऐसे लोग जो है कुछ लोग स्थापित नहीं रहते हैं You need to be a plant, a tree planted in the courts of the Lord. आपको एक ऐसे वृक्ष होना चाहिए जो परमेश्वर के वेदी में आपको जड़ पकड़ना है Hallelujah. Hallelujah. If you roam around, अगर आप इधर उधर भटकेंगे You will never be a stable tree. तो फिर आप स्थायी रूप से एक वृक्ष के समान नहीं होंगे. Where God has planted you. क्योंकि जहां परमेश्वर ने आपको लगाया है. You remain there. आप वहीं पर विश्वास योग बने रहे. And if the pastor is teaching anything wrong. और अगर आपको लगता है कि पासवान कुछ गलत सिखा रहे हैं. You must be able to distinguish it. तो फिर आपको उस फर्क को जानना चाहिए. Hallelujah. Hallelujah. So that is what the Bible says. The anointing teaches you. So यही Bible बताती है अभिषेक जो है हमें सिखाएगा. You can depend on the Holy Spirit. आप पवित्र आत्मा के ऊपर निर्भर हो सकते हैं. To keep you strong and healthy in the Lord. कि आपको प्रभु में तरोताजा बना के रखे. He is the author of the Bible. वही Bible का लिखने वाला लेखक है. Especially God's servants. और विशेषकर परमेश्वर के दास जो हैं. Like myself. जैसे मैं. Or like Mahendra, जैसे पास्टर महेंद्र और पास्टर सैमी जैसे पास्टर सैमी Especially people like us, और विशेषकर हम जैसे लोग And preachers, और जो प्रचारक हैं And teachers, और शिक्षक हैं Constantly must be trained by the Holy Spirit, और लगातार हमें प्रशिक्षण लेना है पवित्र आत्मा के अधीनता में Because it is not now, that's why I feel Now, how many of you are attending our Wednesday Bible study? I don't know. और आप में से कितने लोग हमारे बुधवार के बाइबल अध्ययन को देखते हैं मुझे नहीं मालूम. Very important studies are going. बहुत महत्वपूर्ण अध्ययन है ये. And I again urge you. और मैं फिर से इस बात पर जोर देना चाहता हूँ. It is still online. ये अभी भी ऑनलाइन है. But listen, 7 o'clock every Wednesday. हर बुधवार को शाम को 7 बजे. There are many things that you need to learn concerning the church. ऐसे बहुत सी बातें हैं जो आपको सीखना है कलीसिया के विषय में. And the way we must live. और जिस प्रकार हमें जीवन को जीना है. And many people, you don't understand, you don't realize how valuable. These teachings are to your life. और हम में से बहुत लोग इस बात को समझते नहीं है कि ये शिक्षाएं कितने महत्वपूर्ण हैं. Because we have abundantly here. और क्योंकि इस कलीसिया में ये वचन को बहुतायत से सिखाया जा रहा है.
You don't give much value. हम उसका कोई मूल्य नहीं रखते हैं. And then when some problem comes, और फिर जब कोई समस्या आती है, you don't know how to handle it. तो फिर आपको नहीं पता उसका कैसे हम सामना करें. Suddenly you call the pastor. अचानक पासवान को बुलाते हैं. You don't have to do that. आपको इस काम को करने की आवश्यकता नहीं है. If you attend to the studying of the scriptures, अगर आप वचन के अध्ययन को आप देखेंगे, the scripture will teaches you, और जो वचन आपको सिखाएगा, that you have the power and the authority of the Lord Jesus Christ, कि आपके अंदर वो सामर्थ है, वो अधिकार है प्रभु यीशु मसीह में, to trample on the serpent, कि आप सर्प के ऊपर उसको कुचल दे, and face all the demonic and evil powers, और जितने भी दुष्ट आत्माएं के ताकतें हैं उसका सामना करें. And you are meant to be an overcomer. और आप एक विजयी बनना है. Hallelujah. Hallelujah. You don't need to be afraid. आपको डरने की आवश्यकता नहीं है. You can take the name of Jesus. आप यीशु मसीह के नाम को पुकार सकते हैं. And come against all the evil. और सारे दुष्टता का सामना कर सकते हैं. Trying to destroy you. और जो आपको नाश करने कोशिश करता है. In the name of Jesus. और आप कहे यीशु मसीह के नाम से. By the authority of Jesus. और यीशु मसीह के अधिकार से. I come against this problem. मैं इस समस्या का सामना करता हूँ. Get out of my way. मेरे रास्ते से हट जा. You demon power. तुम दुष्ट आत्मा के ताकत. You have no place in my life. तुम्हारा कोई स्थान नहीं है मेरे जीवन में. My mind is clean. मेरा मन शुद्ध है. Evil thought. और जो दुष्ट विचार हैं, out you go. बाहर निकल जा. Don't entertain them. इन बुरे विचारों को आप मन में ना रखें. You have the power. आपके अंदर वो सामर्थ है. The greatest evangelist in the first century church was not a pastor, not an apostle. और पहला शताब्दी का जो सबसे बड़ा सुसमाचार प्रचारक है वो कोई प्रचारक नहीं था. Philip. वो कोई पासवान नहीं था. वो जो फिलिप था. He was just an ordinary believer. वो एक साधारण एक विश्वासी था. He was not an apostle. वो एक प्रेरित नहीं था. And he brought the entire city. लेकिन उसने अपने पूरे शहर को. City of Samaria. सामरी वो शहर को. A revival. वहाँ एक जागृति को लाया. The whole city got stirred up. पूरा शहर जो है वो जागृत हो गया. Where was Peter at that time? उस समय पतरस कहाँ था? And the second. और दूसरा. The first martyr, Christian martyr. और जो पहला शहीद था. What was his name? उसका नाम क्या था? How many of you knew that? आप में से कितने लोग जानते हैं पहला शहीद कौन? कौन है? Stephanos. Stephanos. We all must be prepared, you know, in a. If you go to South, you know, if you ask that question, all the children will shout to Stephen. और दक्षिण भारत में अगर आप ये सवाल करेंगे तो सारे बच्चे उसका उत्तर देंगे. यू गॉट टू नो द सिंपल थिंग. ये साधारण सी बातें आपको जानना चाहिए. Who was Stephen? स्टेफनोस कौन था? He was not an apostle. वो कोई प्रेरित नहीं था. He was an ordinary member. वो एक साधारण विश्वासी था. He was chosen. Both Philip and this Stephen were chosen in the committee. और दोनों फिलिपस और स्टेफनोस को चुना गया उस समिति में. In the first church committee, पहले कलीसिया के समिति में. They were powerful men. और वो ताकतवर लोग थे. Hallelujah. Hallelujah. Powerful men. ताकतवर लोग थे. They were mighty in the knowledge of God's word. परमेश्वर के वचन के ज्ञान में वो सामर्थी थे. They were miracle workers. चमत्कार करने वाले लोग थे. Bold people. और बहुत हिम्मत रखने वाले लोग थे. Stephen was stoned to death. और स्टीफनस को पत्थरवा करके मारा गया. Because the religious leaders, even the religious leaders, could not stand before his knowledge of God and knowledge of God's word. क्योंकि उस समय के जितने भी धार्मिक अगुवे थे, वे भी उस स्टीफनस के ज्ञान के सामने नहीं खड़े हो पाए. The wisdom, जो बुद्धि. We need to pray for all our committee members should be like that. और हमें प्रार्थना करना है कि हमारे जितने भी कमेटी मेंबर्स हैं, वे सब ऐसे बने. Hallelujah. Hallelujah. That is what God wants. और यही बात परमेश्वर चाहते हैं.
God doesn't take 3 years and 4 years, 5 years to change a man. और परमेश्वर 3 या 4 या 5 वर्ष नहीं लगाते हैं किसी को बदलने के लिए. Some Christians are there, they claim to be born again. आज कुछ मसीह है वो दावा करते हैं कि उन्होंने नया जन्म पाया है. But still they are carrying on with they are struggling with the old habit. लेकिन अभी भी वो अपने पुराने जीवन पुराने आदतों से जूझ रहे हैं. They are not able to give it up. और वो उसको खत्म नहीं कर पा रहे हैं. अरे यू आर अ क्रिश्चियन फॉर 5 years. अरे 5 वर्षों से आप मसीह हैं. हाउ लॉन्ग इट इज गोइंग टू टेक. कितना समय लगेगा. एंड देन दे विल से. और फिर वो कहेंगे. आई एम ट्राइंग. मैं कोशिश कर रहा हूँ. दैट इज व्हाई देयर इज नो चेंज. और इसी कारण से कोई बदलाव नहीं है. यू आर ट्राइंग. आप कोशिश कर रहे हैं. दैट्स व्हाई. इसलिए यू ट्राई थ्रू आउट योर लाइफ. आप पूरे जीवन भर आप कोशिश करें. इट इज द वर्क ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट थ्रू हिज होली स्पिरिट. क्योंकि ये कार्य जो है प्रभु यीशु मसीह का है अपने पवित्र आत्मा के द्वारा. फॉर दैट यू हैव टू सरेंडर योरसेल्फ टू द वर्क ऑफ द होली स्पिरिट. उसके लिए आपको समर्पित करना है अपने आप को पवित्र आत्मा के सामने. एक्सरसाइज योर फेथ. अपने विश्वास को अभ्यास में लाए. In the name of Jesus, यीशु मसीह के नाम से. This habit has to go. ये आदत खत्म होना है. This language has to go. ये भाषा खत्म होना है. Hallelujah. Hallelujah. You take a stand. आप एक कदम को लें. God wants to change you. परमेश्वर आपको बदलना चाहते हैं. But you don't want to be. लेकिन changed. आप बदलना नहीं चाहते. That is the problem. यही समस्या है. Even after 10 years, you say, "How are you?" 10 वर्षों के बाद भी आप पूछे आप कैसे हैं. I'm trying. मैं कोशिश कर रहा हूँ. The Bible doesn't say you try. Bible नहीं कहती है कि आप कोशिश करते रहे. The Bible says you surrender. Bible कहती है समर्पित करो. Lord, I am helpless. प्रभु मैं बेसहाय हूँ. So I am just looking to you. So इसलिए मैं आप ही को देखता हूँ. You do it. आप करें. The Holy Spirit can do for you what you cannot do. पवित्र आत्मा आपके लिए वो कार्य कर सकता है जो आप नहीं कर सकते हैं. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. God is a good God. परमेश्वर एक भला परमेश्वर है. Acts chapter 6 verse 2. प्रेरितों के काम उसका 6वां अध्याय 2वां पद. What does it say? वहाँ पर क्या लिखा है? So the 12 gathered all the disciples together and said, "It would not be right for us to neglect the ministry of the word of God in order to wait on tables." Apostle said. That is what the servants of God must concentrate on. और यही बात है जो परमेश्वर के दासों को ध्यान लगाना है. So the church people should leave the pastors free instead of involving them in every silly matters. और इसलिए कलीसिया के लोगों को पासवानों को छोड़ना चाहिए कि छोटे छोटे बातों में उनको ना लगाएं. Now we have people constantly calling Pastor Sami. और कुछ लोग हैं जो लगातार पास्टर सामी को बुलाते रहते हैं. For every simple thing. हर एक छोटे बात के लिए. वहाँ लड़ाई हो रहे हैं. घर में लड़ाई चल रहा है. किसके बीच में? Well, I don't want to mention. Believers के घर में लड़ाई क्यों? That itself is a wrong thing. पहली बात यही गलत है. Argument can happen. हाँ बहस हो सकता है. You argue as long as you want to and then give it up. आप बहस करते रहे उसके बाद खत्म कर दें. Then you when you say goodbye. और फिर जब आप bye बोलते हैं. Give a hug to each other and kiss each other and then go. और फिर एक दूसरे से गले मिले और फिर आप जाएं. Keep the peace. शांति बना के रखें. If we are to instruct others, अगर हमें दूसरों को निर्देश देना है, we must be instructed ourselves. हमें खुद निर्देशों को प्राप्त करना है. Don't think that I've been preaching here in this place. I have been preaching from my childhood. But in this place, North India, I've been preaching over 52 years.
और मैं बचपन से ही मैं प्रचार करते आ रहा हूँ, लेकिन इस स्थान में उत्तर भारत में मैं मुझे 52 वर्ष हो गया है. You think I know everything? क्या आप सोचते हैं मैं सब कुछ जानता हूँ? The more I am learning, और जितना ज़्यादा मैं सीख रहा हूँ, the more I realize I don't know anything. उतना ही मैं जान रहा हूँ कि मुझे कुछ नहीं पता. So I constantly have to depend on the Holy Spirit. So लगातार मुझे पवित्र आत्मा के ऊपर निर्भर होना है. Constantly I have to learn. और लगातार मुझे सीखना है. And my time is for that. और मेरा समय उसके लिए है. Not to deal with the electricity जमा करना. और some people the way they think pastors are, the pastor has to help me to deposit my electricity bill and water bill, and my pastor should help me to go to market and buy all the sabji I need. और कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि पासवान जो है मेरा घर का हर छोटे काम को करें. While they should come and help the pastor. जबकि उनको आना चाहिए और पासवान की मदद करना चाहिए. That's the way I grew up. ऐसे ही मैं बढ़ा. I did all the work for my pastor. मैंने अपने पासवान के लिए सारे कामों को किया. That's where I learned. और वहीं पर मैंने सीखा है. My pastor must be free so that he can study and. मेरे पासवान को खाली समय मिलना चाहिए ताकि वो सीखने पाए. Feed me on Sunday. और ताकि मुझे रविवार को वो पोषण मिले. फीड मी ऑन वेडनेसडेज बाइबल. और बाइबल बुधवार बाइबल अध्ययन में मुझे वो पोषण मिले. सो आई मस्ट हेल्प माय पास्टर. सो मुझे अपने पासवान को सहायता करना है. आमीन. सो सम ऑफ यू बेटर कम वंस इन अ व्हाइल एंड फाइंड आउट पास्टर. पास्टर यू नीड एनी हेल्प. सो आप लोग को पूछना चाहिए कि पासवान आपको कोई मदद की जरूरत है. एंड यू नो आई नीड लॉट ऑफ हेल्प. और आप जानते हैं मुझे मदद की बहुत जरूरत है. बट इफ ऑल द मेंबर्स डिपेंड ऑन द पास्टर टू कम एंड ड्रॉ द वाटर एंड कपड़ा धोलना आयन करना, वी मस्ट अंडरस्टैंड आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी. हमें अपने जिम्मेदारियों को समझना है. If we are not instructed, अगर हम निर्देश को नहीं ले पाते हैं, how are we going to instruct others? तो फिर हम दूसरों को निर्देश कैसे देंगे? Understand? समझ गए? Have you understood whatever I spoke this morning? आज की सुबह जो कुछ भी मैंने बताया है आप समझ गए हैं? Thus far? अभी तक? We will continue this. हम इसको आगे फिर देखेंगे. And I hope I will not forget. मैं आशा रखता हूँ कि मैं भूलूंगा नहीं. सो आई कीप अ मार्कर हियर. दिस इज वेयर आई प्लीज रिमेंबर इफ आई फॉरगेट यू रिमाइंड मी. दिस इज द डायरी. विल कंटिन्यू दिस. बट आई प्रे दैट द होली स्पिरिट विल हेल्प यू टू रिमेंबर द थिंग्स दैट यू हैव लर्न्ड टुडे. लेकिन मेरी प्रार्थना यही है कि पवित्र आत्मा आपको सहायता करेगा कि जो कुछ भी यहाँ पर सीखा है कि आप उसे ध्यान में रखें. This is the way we grow. ऐसे ही हम बढ़ते हैं in our spiritual life. अपने आत्मिक जीवन में. This is the way we become strong. ऐसे ही हम मजबूत बनते हैं in the faith. विश्वास में. This is the way we become fearless in the face of persecution. और ऐसे ही हम सताव के सामने हम निडर बन जाते हैं. We have not told that sister who is shut up in the room. We want you to pray for one of our believers in Pastor Ramesh's church. हम चाहते हैं कि आप एक विश्वासी के लिए प्रार्थना करें जो पास्टर रमेश के कलीसिया में जाती हैं. She is shut up inside a room. उस विश्वासी को एक कमरे के अंदर बंद करके रखा हुआ है. Not allowed to come out. और अनुमति नहीं है कि वो बाहर निकले. I don't want to give any details. और ज्यादा मैं बताना नहीं चाहता हूँ. But you pray. लेकिन आप प्रार्थना करें. What's her name? कौशल्या. कौशल्या. बहन कौशल्या उनका नाम है. प्लीज प्रे फॉर हर. और मेहरबानी करके अपने व्यक्तिगत प्रार्थनाओं में उन्हें याद रखें. That God will set her free. कि परमेश्वर उस बहन को आजाद कर देंगे. She is suffering
for her faith. और वो इसलिए इस दुख को उठा रही है क्योंकि उनका विश्वास है प्रभु यीशु मसीह में. But she is very strong. लेकिन वो अभी भी मजबूत खड़ी है. They are trying to kill her. और वो लोग कोशिश कर रहे हैं उनको जान से मारने के लिए. But she shouts and say. लेकिन वो चिल्लाकर कहती है. My husband, my son, or anybody. मेरा पति या मेरा बेटा या कोई भी व्यक्ति. The most important person in my life is Jesus Christ. इन सबसे बढ़कर मेरे जीवन में सबसे महत्व व्यक्ति वो यीशु मसीह है. I am prepared to die for. मैं तैयार हूँ मरने के लिए. Pray for her, okay? आप इस बहन के लिए जरूर प्रार्थना में याद रखें. Hallelujah. Hallelujah. Let us all stand. आइए हम सब खड़े हो जाएं. This morning. आज की सुबह. As the Holy Spirit guided me, I taught you a portion of the work of the Holy Spirit. जैसे कि पवित्र आत्मा ने मुझे अगुवाई किया है, मैंने आपको सिखाया है. It is not finished. ये खत्म नहीं हुआ है. We'll continue next हम इसको अगले रविवार को फिर से सीखेंगे. But whatever you learn, लेकिन जो कुछ भी आपने सीखा है, please remember to practice. आप याद रखें, आप इसको अपने जीवन में लागू करें. You don't need to be afraid. आपको डरने की आवश्यकता नहीं है. When your faith is strong, जब आपका विश्वास दृढ़ खड़ा है. When your inner person is strong, जब का अंदरूनी मनुष्य वो ताकतवर है. Always remember, हमेशा याद रखें, God is watching you. परमेश्वर आपको देख रहा है. Hallelujah. 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 धन्यवाद यीशु.